प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, गिनती की किताब उसका 13 अध्याय 6 पद में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है कालेब। और इस कालेब का अर्थ होता है, कालेब नाम का अर्थ होता है विश्वास योग्य या फिर वफादार या फिर ईमानदार या फिर पूरे दिल से या फिर निडर या फिर साहसी। ये सब अर्थ होते हैं कालेब नाम के। और बाइबल में हम इस कालेब नाम के व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसके अंदर वो सब बातें थी जो उसके नाम का अर्थ है। वो सब बातें हम उसके अंदर देखते हैं। कालेब मूसा और यहोशू के संग संग रहता था और कालेब परमेश्वर के प्रति वफादार था, विश्वास योग्य था, ईमानदार था और साथ ही साथ वो मूसा के प्रति भी वफादार था। फिर हम देखते हैं कि कालेब को जो काम दिया गया था वो काम उसने पूरे दिल से किया, पूरे मन से किया, सच्चे मन से उसने उन कामों को किया। फिर हम देखते हैं कालेब एक साहसी व्यक्ति था, वो एक निडर व्यक्ति था, किसी से भी डरने वाला नहीं था, वो एक साहसी पुरुष था, वीर पुरुष था। जो कुछ उसके नाम का अर्थ था वो सब कुछ कालेब के जीवन में हम लोग देखते हैं। और आने वाले दिनों में हम कालेब के विषय में स्टडी करेंगे। आप हमारे साथ में इस स्टडी में बने रहें। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे अंदर भी चाहते हैं इन बातों को, आपके और मेरे अंदर। जितने भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ये बातें हों, हम लोग भी परमेश्वर के प्रति वफादार हों, ईमानदार हों, विश्वास योग्य हों, अपने कार्य करने वाले क्षेत्र में भी हम विश्वास योग्य हों, अपने परिवार के प्रति हम विश्वास योग्य हों, परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य हों, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति हम विश्वास योग्य हों, जहां पर हम काम कर रहे हैं उनके प्रति भी हम विश्वास योग्य हों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में विश्वास योग्य बने रहें, वफादार बने रहें, ईमानदार बने रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो कुछ कार्य करें वो पूरे दिल से करें, पूरे मन से करें, चाहे वो परमेश्वर की आराधना हो, चाहे वो अपने जीवन का कोई भी काम हो। कैसा करें? पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से उन कामों को, परमेश्वर की आराधना को किया करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में निडर बने रहें। इसीलिए तो बाइबल हमें हर बार सिखाती है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, मत डर। बहुत सारे बाइबल वचनों को हम पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों को मत डर। तो हमें चाहिए कि हमें निडर होना है, हमें साहसी भी होना है। बाइबल कहते हैं दुष्ट का सामना करो तो तुम्हारे सामने से बाहर भाग जाएगा। तो सामना कब करेंगे? जब हम साहसी होंगे। तो हमें साहसी भी होना है। और जब इस प्रकार की बातें हमारे अंदर होंगी तो परमेश्वर कालेब की तरह हमें भी इस्तेमाल करेगा, कालेब की तरह आपको भी इस्तेमाल करेगा, कालेब की तरह आपको भी आशीषित करेगा, कालेब की तरह आपको भी लंबी उम्र से तृप्त करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कालेब नाम का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से ये हमारे अंदर भी इस नाम का होना जरूरी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। जय मसीह की। मेरा नाम जयवंती बाला है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं व्हाट्सएप में अपने पुत्र के लिए मैसेज की थी कि उसके पास कोई जॉब नहीं था, बहुत ही परेशान था, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पुत्र के लिए आप प्रेयर कीजिए ताकि 2022 में उन्हें जॉब मिल जाए। और ठीक जनवरी महीना 2022 में उन्हें एक जॉब देकर परमेश्वर पिता ने उनके जीवन को आशीषित किया और आनंदित किया। इसके लिए मैं लाखों लाख परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। साथ में सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पीके मसीह और पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, इनके प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद ही है मेरे प्यारे प्रभु इस सुंदर सी सुबह के लिए, प्रभु इस सुंदर सी संगति के लिए, प्रभु जो पिता आज की सुबह में आपने हम सबको दी है। प्रभु रात भर के विश्राम के लिए धन्यवाद पिता, अच्छी नींद के लिए प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु धन्यवाद कि आपने रात भर सुरक्षा की, हमें अच्छी नींद दी, और प्रभु विशेष का इस नए दिन के लिए प्रभु कि इस नए दिन में आपने हमें प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। प्रभु इस पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते और कहते प्रभु तेरी योजना तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। चाहते प्रभु आज के दिन में अपने लोगों को आप अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे प्रभु, आपकी योजनाएं इनके जीवन में पूरी हो पिता, और होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर प्रभु आज के हर एक काम को प्रभु तेरे लोग कर सके। प्रभु आज इनके जीवन में आप सफलता को दे, आज इनके जीवनों में आशीषों को दे, आज इनके जीवनों में अपने आनंद को दे, और प्रभु यीशु मसीह हर एक अपराध हर एक पाप से और हर एक दुष्ट की योजनाओं से आज के दिन में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। प्रभु हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है आपके लहू में उन्हें ढांपते पिता, आपके सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु कि पूरे दिन भर में हर एक खतरे मुसीबतों से आप उन्हें बचाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आज की सुबह में तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रभु तेरा आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। हम धन्यवाद करते और आदर करते प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु कि सच में प्रभु तू हमारे साथ में है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, जिस प्रकार कालेब के जीवन से हमने देखा प्रभु कि सच में प्रभु उसके नाम का अर्थ ही है विश्वास योग्यता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना। हाँ मेरे परमेश्वर, ऐसी ही प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु इस गुण को हमारे जीवन में चाहते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे कि आज हमने वचन से सीखा परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर प्रभु हम भी प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य होने पाएं पिता। आज प्रभु विश्वास योग्यता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लोग जो प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवनों में आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि प्रभु आपके लोग अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु विश्वास योग्य बने रहे, प्रभु अपने आपके लिए विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु जो कुछ भी वो अपने जीवन में कार्य करें प्रभु, जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु, जब संगति में बने रहते प्रभु, जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब पिता आपके राज्य के उन्नति के लिए प्रभु लोगों को आपका नाम बताते प्रभु, तो सारा कार्य प्रभु जो ये करें वो विश्वास योग्यता के साथ में करें। जब कालेब को कार्य सौंपा गया था प्रभु, उसने पूरी विश्वास योग्यता के साथ में दिल से उस कार्य को किया। उसी प्रकार प्रभु तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु इसी प्रकार प्रभु यीशु अपना जो कुछ भी कार्य करे वो दिल से और विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये भाई बहन प्रभु अपने माता पिता के लिए विश्वास योग्य बने रहे मेरे खुदा। प्रभु हर एक बच्चे प्रभु अपने पेरेंट्स के लिए प्रभु विश्वास योग्य बने रहे पिता। प्रभु जो उन्हें धोखे में रखते हैं प्रभु, कोई भी झूठी बातें उनसे कहते हैं परमेश्वर, प्रभु आपसे प्रार्थना है कि हर एक बच्चा परमेश्वर प्रभु अपने माता पिता के लिए प्रभु विश्वास योग्य बना रहे मेरे खुदा, क्योंकि जब हम विश्वास योग्य होते हैं प्रभु तो ये आपको भाता है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि पति और पत्नी प्रभु अपने एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहे मेरे खुदावन। प्रभु हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु वो दूर रहें, हर एक गलत बातों से वो दूर रहें प्रभु, और प्रभु एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक वर्कर परमेश्वर प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में प्रभु विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु जो जॉब प्रभु आपके बेटे बेटियां करते हैं प्रभु, जिस भी जगह में वो जॉब करते हैं प्रभु, उस जगह के लिए प्रभु तेरे लोग विश्वास योग्यता के साथ में उस कार्य को कर सके मेरे खुदावन। मेरे प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि चाहे प्रभु जो भी कार्य प्रभु आपके लोगों को सौंपा गया है प्रभु, जिस पोजीशन में उन्हें रखा गया है, उस पोजीशन का आदर करते हुए प्रभु उस पोजीशन के लिए प्रभु यीशु मसीह वो विश्वास योग्य बने रहे मेरे खुदा। मेरे प्रभु कोई भी फ्रॉड प्रभु तेरे लोग ना करने पाए, किसी को चीट प्रभु तेरे लोग ना करने पाए प्रभु, किसी का व्यर्थ फायदा ना उठाने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदा, आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह आपके लोग परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु विश्वास योग्य बने रहे मेरे खुदा। और जो भी कार्य प्रभु, चाहे वो घर का काम है या फिर प्रभु बाहर किसी भी जॉब का कार्य है प्रभु, तो पिता वो मन लगाकर दिल से उस कार्य को करने पाए मेरे खुदा। कोई भी आलस प्रभु, कोई भी टाल बराई प्रभु उनके जीवन में ना आए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन में परमेश्वर, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं प्रभु, वो काम
काम सफल हो पिता। आह प्रभु, इनके हर एक काम में सहायता और मदद कीजिए। yes. प्रभु, जो घरों से बाहर जाते हैं उनके घरों में, घरों से बाहर जाने में, आने जाने में सहायता और मदद कीजिए। प्रभु, आज जो भी काम इनके रुके हैं मेरे खुदा, वो यीशु मसीह तेरे नाम से पूरे होने पाए। yes. पिता, आज जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं मेरे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उनके लिए चंगाई को मांगते हैं। yes. यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से प्रभु, यीशु कहते कि वो सारी बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, नन्हे बच्चे जो इसी समय पैदा हुए और प्रभु उनके शरीर में कुछ बीमारियां, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पाई गई हैं, यीशु मसीह के नाम से उन छोटे बच्चों को आप इसी समय स्पर्श करें, उनके शरीरों को छू लें और चंगा करें, क्योंकि जो 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 प्रभु तू बनाता है वो परफेक्ट बनाता है परमेश्वर। yes. पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं विनती करती, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने लोगों को अपनी सहायता में लें प्रभु, उनकी सहायता करें उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, और जितने लोग इस समय अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगा करें। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए प्रभु। जितने भाई बहनों ने प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को पिता प्रभु यीशु मसीह इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से दिया है, यीशु मसीह उनकी सुधि लें इस सुबह में प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। हाँ प्रभु, उनके लिए उपाय करें प्रभु, जब वो कर्जे में है और प्रभु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है पिता, आपकी आप उनकी सहायता करें मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, आज के पूरे दिन भर में प्रभु इनकी सारी ज़रूरतें पूरी होने पाएँ। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति पूरे दिन भर में हमारे साथ में बनी रहे और प्रभु तू गाइड कर प्रभु और हर एक अपराध से बचा परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।